हेलो डियर स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पी क्यू आर एस। तो ऐसा अपनों का सेंटेंस दिया रहेगा, राइट? क्या दिया रहेगा मालूम है क्या? वी विल बी गिवन पी क्यू, तो पी क्यू के जगह पे टी लेना है, जहाँ आर और एस है वहाँ फॉल्स लेना है। तो अपनों को इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, मतलब पी क्यू के जगह पे टी एज्यूम करेंगे, आर एस को फॉल्स एज्यूम करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो ये अपना क्वेश्चन है और स्टार्ट करते हैं। तो पी के जगह पे क्या आएगा? टी आएगा, एंड ऐसे ही लिखना है। Q के जगह पे भी T आएगा, क्योंकि P और Q ट्रू है, और N डाला, R के जगह पे F डालने का, ठीक है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ट्रूथ वैल्यू निकाल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, राइट? हमेशा तो ब्रैकेट में ये एंड टी एंड एफ, एंड में क्या गया, एक भी एफ आए तो एफ हो जाएगा, राइट? एंड टी में टी एंड एफ, एंड में एक भी एफ आए तो एफ हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स। इतना सही क्वेश्चन है, ये एक मार्क का ब्लैंक था, राइट? अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके सॉल्व करता हूँ। ये बड़ा क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले नेगेशन है, नेगेशन डालेंगे, ब्रैकेट है, नेगेशन है, पी के जगह पे ट्रू, एस, एस के जगह पे फॉल्स, फिर एंड आएगा, नेगेशन, क्यू है ना, क्यू के जगह पे टी आएगा, ठीक है, एंड आर के जगह पे क्या आएगा, फॉल्स। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, नेगेशन लिखा मैंने, ठीक है। तो पहले नेगेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ये बड़ा वाला नेगेशन है, ये बड़ा वाला नेगेशन, ठीक है। तो अभी नेगेशन टी है, मतलब टी का उल्टा फॉल्स, ये ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बन जाएगा, एंड लिखेंगे, फिर नेगेशन टी फॉल्स होएगा, एंड और एफ है ना, इधर क्या आ जाएगा, एफ। पहले नेगेशन को सॉल्व किया, ये वाला नेगेशन लास्ट में सॉल्व होगा, ठीक है। ये इसको लास्ट में सॉल्व करना, अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और में क्या आ जाएगा, एफ एफ एफ, एंड एफ आ जाएगा, राइट? अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एंड एफ आएगा, फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स है ना, उसका नेगेशन क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, पी है तो टी आएगा, क्यू है तो भी टी आएगा, ब्रैकेट, और आर है तो फॉल्स, ऐसे तो फॉल्स, ऐसे तो फॉल्स, क्यों, क्योंकि इधर दिया है क्वेश्चन, आर एस के जगह पे क्या डालेंगे, फॉल्स डालेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के, इम्प्लाइज टी, इम्प्लाइज टी क्या हो जाएगा, टी, ओके, फॉल्स एंड एफ, एफ एंड एफ, तो ये एफ ही हो जाएगा, और है क्या ये, और, तो और में क्या आ जाएगा, टी और एफ, तो ये टी हो जाएगा, ओके। ये भी सम तुम्हारा सॉल्व हो गया, राइट? अभी थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करा दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब इधर टी आएगा, इधर भी टी आएगा, डबल इम्प्लीकेशन, फिर नेगेशन, टी आएगा, और है ना ये, और आएगा, क्यू के जगह पे भी टी आएगा। तो सिंगल इम्प्लाइज टी, टी रहेगा, डबल इम्प्लाइज को ऐसे रखा, नेगेशन पहले ब्रैकेट के, इसको सॉल्व करके ट्रू आएगा, ओके, ट्रू का नेगेशन क्या आएगा, फॉल्स, और डबल इम्प्लीकेशन में जोड़ी रहेगा तो ट्रू होता है, जोड़ी रहेगा तो क्या रहता है, टू, तो ये जोड़ी टूट गई तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेट्स बिगिन। ब्रैकेट दिया है, टी और एस के जगह पे क्या आएगा, फॉल्स, नेगेशन, आर, आर के जगह पे क्या आएगा, फॉल्स, ब्रैकेट गोल्स, और नेगेशन, ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट है ना, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, फिर फॉल्स आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये और है। तो अब पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, पहले क्या सॉल्व करने का, ब्रैकेट, तो और को सॉल्व करेंगे, टी और एफ, टी आएगा, नेगेशन डालेंगे, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स, इसको बाद में सॉल्व होगा, नेगेशन रखना पड़ेगा, पहले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर नेगेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टी इम्प्लाइज टी, तो टी होएगा, नेगेशन डाला, अभी इसको सॉल्व कर, टी इम्प्लाइज एफ, सेकंड वाला कौन एफ है ना, तो ये एफ हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लाइज में सेकंड वाला चेक करते हैं,